गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का 8 बज चुका है, मैं करने लगी हूँ नाश्ता और अभी नाश्ता करके जा चुके हैं। आज उनको कुछ ज़रूरी काम था तो वो मॉर्निंग में जल्दी चले गए हैं शॉप पर। और यहाँ मैंने ये जंगल वगैरह साफ़ कर दिया, घर पूरा साफ हो चुका है, बाबू को भी नहला दिया है। काम बहुत ज़्यादा है आज मेरे पास क्योंकि 2 ही दिन बाद रक्षाबंधन है और अभी मेरा कोई काम शॉपिंग वगैरह नहीं हुआ है, वो भी करना है। और मैं यहाँ कपड़े धुलने लगी हूँ क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई है। तो वैसे भी मैं यार जो नॉर्मल कपड़े हैं वो मैं हाथ से धुलती हूँ, बेडशीट वगैरह के लिए जो है ना मशीन यूज़ करती हूँ मैं। तो अभी मॉर्निंग के 11:30 बज रहे हैं और बाबू को खिलाने गए दाल चावल। और आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम था, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह धुलना था और जंगल वगैरह साफ करना था, वो भी सारा काम था वो कर लिया है। और खाने में दाल चावल रोटी सब्जी बन रही है और अभी चलते हैं बाबू को खिला लेते हैं, फिर अभी का टिफिन पैक करना है। और उसके बाद आज मुझे राखी भी खरीदने जानी है, शॉपिंग करने जाना है आज मुझे, तो वो भी काम निपटाना है जल्दी जल्दी। तो देखते हैं कि कब करते हैं। और सब्ज़ी जो है वो गैस पर चढ़ी हुई है तो सोच रहे हैं चलते हैं बंद कर देते हैं, पता चले जल जाएगी तो और काम बढ़ जाएगा हमारा। पाओ कद्दू की, और ये रेड रेड दिखाई पड़ रही है आपको, ये लाल मिर्च है क्योंकि हमारे हबी को लंच में ना तीखी चीज़ें पसंद है। अब ये दूध भी गर्म कर दिया है, ये बाहर रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा गर्म है यार, घर में काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। टिफिन के टिफिन तो कुछ में पानी लगा हुआ, इनको अभी साफ करें पहले चल के। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों इसमें नमक ज़्यादा हो गया है। और यहाँ रख दी है सब्जी और एक में रोटी और दाल। दाल आज थोड़ी पतली हो गई है, मुझे वैसे पतली दाल नहीं पसंद है, गाढ़ी दाल पसंद है, हबी को पसंद है वो खा लेते हैं। और एक में चावल रख दूँगी और थोड़ा सा मैं प्याज रख देती हूँ उसमें नींबू और नमक डाल के। और ये टिफ़िन कर दिया है पैक, टिफ़िन पैक कर दिया है और अब चलते हैं बाबू को खाना खिला देते हैं। उसको खाना खिला रहे थे और बीच में गए थे तो उसको खाना खिला देते हैं और फिर मार्केट जाएंगे। और देखते हैं यार बाबू को ले जाने का मन नहीं है, मतलब पापा जो है ना टिफ़िन देके आएंगे तभी हम लोग जा पाएंगे, देखते हैं। पापा वैसे तुरंत कितने देके चले जाते हैं यार, बच्चों का बड़ा नाटक, खाना वाना खाते नहीं दिमाग खराब और होता है यार, नहीं खाते तो इतनी टेंशन रहती है क्या बताएं। और ये देखो मेरा थोपड़ा यार, बिना लिपस्टिक के थोपड़ा कितना गंदा लगता है ना, बहुत गंदा लगता है। मैं ही चलूँ इसमें थोड़ा सा सब्जी मिला के खा लेती हूँ। पापा खाना भूल दिया, अब पापा जाएंगे खाना रेख कर, लगा ली लिपस्टिक और बिंदी। और देखो आप कैसा लग रहा है यार, पता है लिपस्टिक बिंदी मतलब जो चीज़ें मेकअप की होती है वो एक भी चीज़ छूट जाती है तो अजीब सा लगता है, और लिपस्टिक बिंदी के बिना तो यार बहुत ही बेकार। लिपस्टिक बिंदी और सिंदूर इसके बिना तो बहुत, काजल भी अगर नहीं होता तो ख़राब लगता है। और मेकअप मैंने इसलिए इतना कर लिया है क्योंकि मैं सोच रही थी कि वापस आऊँगी तो 2-1 रील्स बना लूँगी, रील्स भी मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी, तो रील्स बना लूँगी। इस वजह से मैंने ये आई लाइनर वगैरह, मैंने सोचा चलो यार एक साथ दो दो काम जो देखे रखेगा, वाह 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 क्या मेकअप करके आई है। छोना जल्दी जल्दी दूध पी लो ठीक है। और ये देखो मेरे बाल कितने अजीब से लग रहे हैं ना, तो इनको भी मुझे आगे से थोड़ा सा ट्रिम करवाना है, मतलब ट्रिम नहीं थोड़ा सा कटवाना है तो वो कर लें। हमारे पास प्लाजो 1, 2, 3 प्लाजो आए हैं ये, तो इनको हमें नीचे से कट करवाना है तो इनको भी लिए जा रहे हैं। और पता है मैं तैयार होकर सो गई थी, एक भी रील्स नहीं बनाई है। देखो लाइनर वगैरह इसीलिए लगाया था कि चलो एक साथ में 2 काम हो जाएंगे, तैयार भी हो जाऊंगी, मार्केट भी आऊंगी, रील्स भी बना लूंगी, तो कोई काम नहीं हो पाया है। अब देखो मैं रील्स कब बनाती हूँ, मैं भी नहीं जो पोस्ट करूँ। चले अरे चलो रो रहा है। हमारे यहाँ बन रही है आगे की रोड तो इस वजह से सब खुदा पड़ा हुआ है यार, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, सारी गर्मी है, हमें तो इतने काम भी करना नहीं है। चलो भगवान जल्दी जल्दी ले लें सारी चीज़ें। सबसे पहले हम प्लाजो कटवाएंगे, ये काम हो जाए तो सोच लो बहुत कुछ हो गया, नहीं तो हम पहन के जाएंगे। और अभी हम पहुंच गए हैं राखी वाली शॉप पर, ले लेते हैं यहाँ से राखी। और प्लाजो जो है वो कटने के लिए डाल दिया, उन्होंने बोला है कि 1 घंटे बाद आके ले लेना, कट जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो धीरे धीरे काम निपटा लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और काम आज बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत तेज़ से है, इसलिए मैंने बहुत ढीली ढीली सी कुर्ती पहन रखी है क्योंकि यार ऐसे में ना एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहन के निकलो कॉटन के ना तो बहुत सही रहता है, नहीं तो पता चले कुछ वैसा पहन के निकल जाओ फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बहुत एकदम मतलब ढीली ढीली सी कुर्ती पहन रखी है। अच्छी लग रही है, अच्छी है ना, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है।
वही ले लो, यही ले लो, दो तीन ले लो, तीन ये तुम्हारे लिए, एक अपने लिए, एक बिट्टू के लिए। और अभी हम जा रहे हैं, पास में एक छोटा सा मॉल है, हमारे पापा के पास मिक्सर नहीं है तो क्या पहना के लेके जाएंगे, इसलिए हम लोग मॉल जा रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, अरे भगवान बहुत गर्मी है। बहुत दूर नहीं है, बहुत पास ही है, बट मेन रोड पे ना तो गर्मी ज़्यादा लग रही, धूप भी है। मॉल नहीं है, छोटा सा मार्ट है, मतलब वी मार्ट है, तो वहाँ पे मिक्सर वगैरह मिल जाती है आराम से। जिस काम से आए हैं पहले वही काम करेंगे, क्योंकि हम जब भी आते हैं पता चलता है काम दूसरा करके लेके चले जाते हैं। ऊपर है, ऊपर थर्ड फ्लोर पे आई थी। और अभी मैंने यहाँ से एक ट्रे ले ली है और बाबू के लिए दो निक्कर ले ली है। ठीक निक्कर थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने दो ही ले ली है। और उसके बाद मैं बिल कराने के लिए पहुंच गई, और पता है मैं बिल करा रही थी लेकिन मेरी नज़रें कहीं और ही थी। और मैं यहाँ पे बिल करवाने आई हूँ, वैसे तो मेरे हबी आते हैं, मैं अब अकेले आने लगी हूँ। तो जब तक वो बिल करवाते थे ना, मैं तब तक इधर उधर देखा करती थी, पता नहीं क्या कौन सी अच्छी चीज़ मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे भी ऐसा ही किया है, मतलब यहाँ पे दो एक टॉप जो है ना मुझे दूर से दिख गए थे, मैंने सोचा चलो यार देखते हैं इनको कैसे लग रहा है, लेकिन मेरे पे अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए मैंने नहीं लिया था। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि एकदम गला सूख रहा था, मैंने सोचा चलो यार कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। मैं पानी नहीं पीती हूँ यार बाहर जाके, मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद आती है इस टाइम पे, मतलब बहुत गर्मी होती है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया। और यहाँ मैं हेयर कट कराने आ गई हूँ, और ये देखो मैंने अपना हेयर कट करवा लिया है, कैसा लग रहा है? बस सारे काम हो गए हैं, अब हम चल रहे हैं घर। और आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, शॉपिंग तो पूरी हो गई है, मतलब कुछ भी नहीं बाकी है, सब कुछ हो गया। और देखो मेरी नेल पॉलिश, मैंने नेल पॉलिश ली है, तो ये कलर लगा लगा के चेक किए थे। बाबू बहुत भूखा हो गया होगा, मैंने उसको खाना खिलाया था, दूध पिलाया था, सोच रहा होगा कैसी माँ है यार, शॉपिंग करने के लिए मुझे मेरी आती नहीं, और मैं कुछ के लिए ली भी नहीं हूँ। आ गई हूँ घर और कपड़े कर लिए चेंज, और गर्मी नहीं यार, गर्मी नहीं है, मौत है मौत। और हेयर कट दिखाती हूँ मैं आपको अपना, अरे निकलो यार, ये देखो आगे से कुछ ऐसा है, कैसा लग रहा है बताओ? ये देखो ये लेकर आए हैं राखियाँ, भाई लोगों को हमारे यहाँ बहुत पतली राखियाँ पसंद, वो लोग तो बोलते हैं पता धागा बांधा करो, लेकिन मैं ऐसी राखी ले आती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ये राखी है। और ये देखो ये हम लोगों की है, मतलब गर्ल्स की, ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है और ये कम अच्छी है, मतलब ये थोड़ी सी सस्ती है। ये जो है ये वाली 20-20 रुपए की है और ये 30 रुपए की है, ठीक है। और ये दो कोन ले लिए थे मेहंदी के, दो नेल पॉलिश ले ली है, ब्लीच ले लिया है, ये ले लिया है, और दो बाबू के निक्कर ले लिया है, और प्लाजो वगैरह कटवाना था। सोचो इतना सामान लेने में इतना टाइम लग गया, दूध दे दिया क्या दूध? बाबू आपके लिए समोसा नहीं आया है, जुद्दू पी लो। और पता जब हम जा रहे थे खूब रो रहा था यार, आज छोटे बाल का रखे है तो सब आंख में आ रहे हैं। डोंट ओपन, नो, हाँ बेटा क्या बोल, गुड बॉय, थैंक यू थैंक यू, ये गुड बॉय गुड बॉय, मम्मा को किसी कर लो, आई लव यू मेरा बच्चा, आई लव यू मेरा बच्चा। इधर नमकीन इसी में से खाएंगे हम लोग। और ये आ गया मेरा ऑर्डर, देखो आज मेरी आई है कुर्ती, और खैर वो आज आ गई है, ठीक है, तो मैं यही रक्षाबंधन में पहन के जाऊंगी। ये मेरे बाल अजीब अजीब से लग रहे हैं यार, कटा के देते हैं इनको, जब हेयर वॉश कर लेंगे ना, जब हेयर वॉश कर लेंगे तो अच्छा लग जाएगा। अभी मैं अपनी कुर्ती ट्राई करके देखती हूँ। ये अरे यार दिमाग खराब हो गया, आज आई भी तो टाइट है ये, और पता अभी तक जितनी आती थी सब हो जाती थी, पता नहीं क्या नाटक है, जब ऐसा कुछ होता है ना और अभी मेरा मूड पूरा खराब हो गया है, क्योंकि कुर्ती टाइट आई है और अगर एक्सचेंज करूँ तो आ भी नहीं पाएगी, और अंदर इतना कपड़ा भी नहीं है कि मैं इसको ढीला करवा पाऊँ, तो एकदम मेरा दिमाग खराब हो गया। और भी कुर्ती है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, लड़कियों की जानते हो एक बार जो पहन लेती हैं तो उनका कितना नाटक होता है, मेरा भी वही नाटक है, और दूसरी कुर्ती पहनने का मन ही नहीं कर रहा। इसका मैंने दुपट्टा प्लाजो सब ले लिया था और यही यार टाइट आई है, अब दिमाग खराब हो रहा है। तो बस अब देखते हैं कि कल क्या करते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।